नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलग पर। दोस्तों आज की स्टूडियो हम बात करेंगे आफ्री यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान भर्ती 2021 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक घर बैठे PC या मोबाइल से आप इस ऑनलाइन फॉर्म को महज 10 मिनट में किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, इसी बारे में संपूर्ण जानकारी आज की स्टूडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आफ्री वैकेंसी 2021 से जुड़ी जॉब लग की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म पर बात करने से पहले बात करना चाहेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आफ्री की ओर से इस वैकेंसी को टोटल 18 पदों के लिए निकाला गया है, जिसमें कि अलग अलग 5 पद हैं। एक टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन LDC फॉरेस्ट गार्ड MTS, उसकी वैकेंसीज की यहाँ पे इंडेक्स आपके सामने, तो आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कैटेगरी की कितनी खाली सीटें इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अलग अलग 5 पद हैं इनकी अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे योग्यता BSc है। अगर आपने BSc कर रखा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ या फिर आपने BSc कर रखा है एग्रीकल्चर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए आप 10th पास होने चाहिए और 10th के साथ आपने ITI कर रखी होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन में या फिर प्लम्बर ट्रेड में। उसके बाद फ्रेंड्स LDC के लिए आपकी योग्यता 12th पास रखी गई है और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। और उसके बाद MTS जिसकी 8 पोस्ट है, इसके लिए आपकी 10वीं योग्यता रखी गई है। बाकी फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इसकी एज लिमिट और शैक्षणिक योग्यता के बारे में इन डिटेल फुल जानकारी दी गई है। अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देते इस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स आफ्री 2021 का ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल या PC दोनों में से किसी से भी फिल कर सकते हैं। आप उसमें जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं आपको सिंपली उसको ओपन करना है, देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SSO और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप गूगल में SSO लिखकर ब्राउज करते तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है sso.rajasthan.gov.in, इसका लिंक आता है। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स यदि आप इस फॉर्म को PC से भर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो पहले इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, उसके बाद अपना पासवर्ड और उसके बाद ये जो दे रखा है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है और उसके बाद फ्रेंड्स लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप SSO पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं SSO पर जनाधार के माध्यम से, या फिर आपके पास यदि भामा से है तो इसके माध्यम से आप खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको एक यूज़र ID मिल जाएगा, साथ ही एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स ऊपर दिए गए यहाँ पर लॉगिन बटन पर फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। अपना SSO ID यहाँ पे टाइप करें, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें और उसके बाद ये जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पे फिल करें और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिले तो आप यहाँ पे अदर ऐप्स में जाएं, आपको निश्चित रूप से ये रिक्वायरमेंट पोर्टल अदर ऐप्स में देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक माय एप्लीकेशन, एक नोटिफिकेशन, एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। इस ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्री 2021 अप्लाई नाउ। सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स जो 5 पोस्ट मैंने आपको बताई है आप किस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं या फिर आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी पोस्ट है, मैं एक बार आपको यहाँ पे योग्यता बता दूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर BSc विद एग्रीकल्चर होना चाहिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट में केमिस्ट्री के साथ आपने BSc कर रखा होना चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पद के लिए आपकी 10वीं योग्यता है, उसके बाद LDC यानी लोअर डिवीजन कलर के लिए आपकी 12th पास योग्यता है, उसके बाद टेक्नीशियन प्लम्बर वही आपके पास
टेंथ प्लस प्लम्बर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के पद के लिए आपके पास ट्वेल्थ विद साइंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ एमटीएस के पद के लिए। सिंपल सी बात है, किसी भी पद को सेलेक्ट करें फॉर्म सेम ही होगा, सेम प्रोसेस ही रहेगा। तो आप इस वीडियो को देख के किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टोटल 4 स्टेप में आप इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल, उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को भरना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपना नाम, उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद मदर का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से कैलेंडर आ जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी ईयर है आपका। उसके बाद आप अपनी मंथ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगी और आपकी एज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपना नाम, फादर का नाम तथा मदर का नाम और साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार ही भरना है। देन फ्रेंड्स आपको यहां पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप यहां पे यस करें, अन्यथा इसको नो रहने दें। अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ये ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन काम करेगा, बाकी ये वर्क ही नहीं करेगा अन्य कैटेगरीज के लिए। उसके बाद अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको आप नॉट एप्लीकेबल या फिर अगर आते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप विशेष दिव्यांगजन हैं तो अगर आप उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में भी आते हैं तो आप सेलेक्ट पर क्लिक कर उसको सेलेक्ट करें, अन्यथा आप इसको ब्लैंक रहने दें। देन फ्रेंड्स आपका जो भी वैवाहिक स्थिति है, यानी सिंगल, मिंगल, टिंगल, जो भी है भाई, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वन पर क्लिक करके जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद आपके अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी जीवन साथी यानी स्पाउस का नाम यहाँ पे लिखें। देन फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करें और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। ध्यान रखें कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करेंगे इन तीनों ही लाइन्स में। उसके बाद आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करें, आपकी सिटी या विलेज का जो भी नाम है आप उसको यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करें और उसके बाद अगर फ़ोन नंबर है तो आप इसको दें, अन्यथा आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रेड स्टार आपको नहीं दिया गया है। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करें, अगर आपका पत्राचार पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आप अपने स्थायी पते को यहाँ पे टाइप करें, अन्यथा फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेम एज अब पर क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपके आ जाएगा। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी है वो दिया गया है, क्या कंफर्म है। तो अगर आप कंफर्म है कि बिल्कुल सही दिया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें और उसके बाद फ्रेंड्स अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आप उसको एडिट करें। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, तो यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी जो भी है उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद स्टेट, होम स्टेट जो भी है आपका उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना गृह जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे गृह ब्लॉक आपका जो भी है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद फ्रेंड्स तहसील सिटी जो भी है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद फ्रेंड्स आपका विलेज का नाम अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो आप उसको सेलेक्ट करें, अगर शो नहीं होता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप फ्रेंड्स भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करें, अन्यथा इसको नो करें और अगर है तो उसका सर्विस स्टेटस आप यहाँ पे दें। और अगर आप भूतपूर्व कैदी हैं तो आप यस करें, अन्यथा इसको नो करें। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद या फिर उसके किसी संस्थान के कर्मचारी हैं तो यस करें, अन्यथा इसको आप नो करें। देन फ्रेंड्स फाइनली नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। आप इसके स्टेप 3 में आ जाते हैं, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपने जिस भी पद के लिए अप्लाई किया है उस पद के अनुसार आपको यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलेगा उसकी शैक्षणिक योग्यता भरने का। तो आप इसको आप विशेष ध्यान रखें, अगर आप एमटीएस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट की योग्यता का प्रूफ देंगे।
तो भाई सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे ट्वेल्थ का अपना डिटेल्स फिल करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी आपके ट्वेल्थ में सब्जेक्ट थे। उसके बाद आप अपने बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ से भी आपने ट्वेल्थ किया, और उसके बाद आपके ट्वेल्थ में क्या अनुक्रमांक यानी रोल नंबर था, उसके बाद आपका परिणाम क्या रहा, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। CGPA, ग्रेड सिस्टम या फिर परसेंटेज, जो भी सिस्टम था आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप किस वर्ष ट्वेल्थ उत्तीर्ण हुए या फिर जिस भी योग्यता के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो किस वर्ष आप उसमें उत्तीर्ण हुए, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना प्रतिशत यानी ग्रेड लिखना है जो भी आपके यहाँ पे रहा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी ट्वेल्थ यानी सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका को यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिए सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करेंगे, आप अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करेंगे जिसकी साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें, उस फाइल को चूज करें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर किसी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन के इस्तेमाल के लिए आपको परीक्षा से बाहर किया है तो आप इसको यस करें, अन्यथा नो रहने दें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं वह PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। अगर वो JPG फॉर्मेट में है तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो इसके लिए आप टैप स्कैनर या इत्यादि किसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला ऐप है, इसको आप यूज़ लेकर इस PDF को क्लिक कर PDF मेक कर सकते हैं अपने मार्कशीट का। देन फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आप इसके अंतिम स्टेप में आ जाते हैं। आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है, साथ ही यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके फोटोग्राफ का साइज 50 से 100 KB, साथ ही आपके सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB होना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी एक बॉडी मार्क अपना यहाँ पर लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने फ्रेंड्स पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली अपने पेमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। वहां पे आपको तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नेट बैंकिंग, UPI तथा एग्रीगेटर। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन अपनी डिटेल्स को फिल करते हुए अपने पेमेंट को कर देंगे। ध्यान रखें आपकी जनरल कैटेगरी की फीस 450 रुपये, शायद EWS की भी 450 है, और अन्य सभी कैटेगरीज की फीस 150 रुपये रखी गई है। एक और इम्पोर्टेंट बात जाने से पहले कहना चाहता हूँ कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय आप पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करेंगे। अगर आप रिफ्रेश करते हैं पेज को तो ऐसी दशा में आपकी फ़ीस भी कट जाएगी लेकिन आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। ध्यान रखना है जब आप पेमेंट कर देते हैं यानी आप अपनी डिटेल्स को फिल कर पेमेंट करने लग जाते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको टोटल 60 सेकंड वेट करना है, वो पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करते हुए आपको अपने पेमेंट रिसिप्ट पर ले जाएगा। वहाँ से आप अपने पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना तो आप पुनः SSO को ओपन करेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हुए जैसे ही आप माई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट वाले पेज पर जाएंगे तो माई एप्लीकेशन में आपका ये भर्ती दिखेगा और वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ की जगह एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स डायरेक्टली यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे Insta ID JobLuck Official पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।